तो यहाँ पर हमारे पास जो इस तरह से, फिर अब एडिशनल पावर सेटिंग्स में जाएंगे और वहां पे क्लिक करके हमने यहाँ पे देखना है चूज द पावर बटन डू। तो यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कह रहा है मैंने आपको हाइबरनेट और शटडाउन के बारे में बताया। तो शटडाउन क्या करेगा, अगर मैं यहाँ पे क्लिक कर दूंगा शटडाउन, तो जैसे ही बैटरी पे और पावर पे अगर मैं शटडाउन कर दूंगा तो सेव कर दूंगा, जैसे ही मैं अपने आप की लैपटॉप का पावर का बटन दबाऊंगा या डेस्कटॉप कंप्यूटर का, तो मेरा कंप्यूटर शटडाउन हो जाएगा। शटडाउन होने में ये नुकसान होगा कि वो सारी एप्लीकेशन जो खुली हुई है वो सबको बंद कर देगा और पावर पीसी को ऑफ कर देगा, और जब मैं उसको दोबारा क्लिक करूंगा ऑन करने के लिए तो नए तरीके से दोबारा स्टार्ट होगा और मुझे दोबारा से सारी फाइल्स और फोल्डर्स को ओपन करना होगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे रखता हूँ शटडाउन हाइबरनेट, और यहाँ पर भी सेट कर लेता हूँ हाइबरनेट, सेव कर लेता हूँ, तो इसका ये होगा जब भी मैं अपने लैपटॉप से पावर का बटन दबाऊंगा तो मेरा पीसी सारी ओपन एप्लीकेशन की एक फाइल बनाएगा, उसको सेव करेगा और विंडोज को शटडाउन कर देगा। नेक्स्ट टाइम जब उसको ऑन करूंगा तो विंडो रीस्टार्ट नहीं होगा बल्कि रिज्यूम होगा। क्या होगा? रिज्यूम होगा। और जब वो रिज्यूम होगा तो वो ऐप सारी वहीं से लॉन्च हो जाएंगी जैसी कि वो बंद की गई थी। ये आप अपने अपने लैपटॉप पे प्रैक्टिकल करके देखेंगे शटडाउन और हाइबरनेट का, फिर मुझे आप रिजल्ट्स बताएंगे। देखिए कैसे करेंगे, दो चार फाइलें और एप्लीकेशन खोलेंगे, फिर उसको आप पहले शटडाउन करेंगे, फिर शटडाउन करके खोलेंगे तो आप देखेंगे कि वो सारी एप्स बंद होंगी, दोबारा खोलनी पड़ेंगी, फिर दोबारा खोलेंगे उन फाइल्स को और एप्स को और हाइबरनेट करेंगे, फिर देखेंगे जब आप दोबारा ऑन करेंगे अपने पीसी को तो जैसे आपने उनको छोड़ा था वैसे ही आपके सामने मौजूद होंगी। और इस तरह आप ये चीज अपने प्रैक्टिकल करके खुद से सीख जाएंगे। अब आते हैं यहाँ पे दूसरा ऑप्शन है कि व्हेन आई क्लोज एलआईडी, व्हेन आई क्लोज एलआईडी। अब ये क्या मतलब हो गया, एलआईडी का मतलब होता है ये लैपटॉप हम यूज कर रहे थे और ये ऐसे करके मैंने इसको फ्लैप कर दिया, बंद कर दिया, ठीक है। डेस्कटॉप पर ये ऑप्शन नहीं होगा, लैपटॉप पर होगा ये। जैसे इसको आप बंद करेंगे तो मेरा लैपटॉप क्या एक्शन परफॉर्म करे, तो यहाँ ऑप्शन बता रहा है व्हेन आई क्लोज द एलआईडी हाइबरनेट हो या शटडाउन हो। तो मैंने यहाँ दो सेटिंग्स कर रखी है कि अगर मेरा लैपटॉप बैटरी पे चल रहा हो तो हाइबरनेट हो जाए, मतलब जो एप्लीकेशन जहां पे फाइल खुली हुई वो वैसी रहे और पावर रिलीज हो जाए, और जब मैं पावर पर हूं और जब इसको क्लोज करूं तो शटडाउन हो जाए, सारी एप्लीकेशन क्लोज करके ऑफ हो जाए। मैं चाहूं तो दोनों को इसको हाइबरनेट पे भी रख सकता हूं। तो मैं बेहतर इसको ऐसे करता हूं, ये दोनों ऑप्शन हाइबरनेट पे कर देता हूं और ये दोनों ऑप्शन मैं किस पे कर देता हूं, शटडाउन पे कर देता हूं। अब इसका फायदा क्या होगा मुझे, इसका फायदा सबसे बड़ा ये होगा जैसे एमरजेंसी में मुझे कहीं उठ के जाना है और लैपटॉप भी साथ लेके जाना है तो भाई शटडाउन करने में तो टाइम लगेगा ना। खड़क से एलआईडी को बंद किया, लैपटॉप उठाया, बैग में डाल के चला गया, लैपटॉप खुद अपने आप को पावर ऑफ कर देगा और उसकी जो लास्ट स्टेट है वो उसको अपने पास सेव कर लेगा। जहां मैं पहुंचूंगा वहां खोलूंगा, वो सारी एप्स मेरी वैसी खुल जाएंगी, सही है। अच्छा शटडाउन कब करूंगा, जब मुझे शटडाउन करना है, मेरे पास टाइम है तो पावर का बटन दबा दूंगा, शटडाउन हो जाएगा। शटडाउन करने का तो ऑप्शन मेरे पास यहां पर भी आ ही रहा होता है, ठीक है। ये बात समझ में आ गई अच्छे तरीके से, क्लियर हो गई, ओके। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास पावर के बाद बैटरी का। बैटरी पे क्या है कि ये बैटरी हमें बता रहा है कि आपकी कितने परसेंट बैटरी अभी चार्ज हो चुकी है और बैटरी सेवर कितनी देर में स्टार्ट होगा। बैटरी सेवर का मकसद क्या है कि बैटरी सेवर जो है मकसद ये है कि जैसे हमारी मोबाइल की बैटरी 20% पे आके कहती है बैटरी सेवर एक्टिवेट कर लो, उससे ये फायदा हो रहा होता है कि हमारे मोबाइल को थोड़ा टाइम मिल जाता है कि हम कहीं पहुंच जाएं और चार्ज कर लें। बैटरी सेवर आपको हेल्प ये करता है कि वीडियो थोड़ी हल्की कर देता है, ब्राइटनेस कम कर देता है, ताकि मोबाइल थोड़ा 5 मिनट में जहां बंद हो रहा है वो 15 मिनट में चल जाए और कोई गेम वेम नहीं चला पाता। तो बैटरी सेवर आप अपना सेट कर सकते हैं लैपटॉप का, कितने परसेंट पे आपको इंडिकेट कर दे, नहीं तो नवर कर दे इसको आप, ठीक है, नेवर यहां से, ओके। लोअर स्क्रीन ब्राइटनेस व्हाइल इन बैटरी सेवर, मतलब जैसे अगर बैटरी लो हो रही है तो स्क्रीन की ब्राइटनेस भी कम हो जाए, अगर नहीं करेंगे तो जल्दी खत्म हो जाएगी बैटरी। अब बता रहा है कि 24 घंटे के दौरान में कौन सी ऐप ने बैटरी को ज्यादा कंज्यूम किया है, मतलब ऐसा होता है ना मेरा लैपटॉप जल्दी जल्दी बैटरी खत्म कर रहा है तो कोई ऐप उसको यूज कर रही है, तो आपको बता रहा है ये ऐप 52% यूज करती है, 3%, 1%, लेस देन 1%, तो उस ऐप को बंद करने की या अनइंस्टॉल करने की जरूरत होगी। तो ये आपको उसकी डिटेल दे रहा है और एक वीक के अंदर भी बताएगा आपको सारी डिटेल जनरेट करके, ये ऑप्शन भी आपको दे रहा होता है। देख रहे हैं एक वीक में 66% गूगल क्रोम ने बैटरी को यूज किया है और 24 घंटों में ज्यादा से ज्यादा बैटरी को OBS ने यूज किया है। उसके बाद आ जाते हैं इसके ऊपर, स्टोरेज के ऊपर। जैसे हमारे मोबाइल की स्टोरेज होती है रोम एंड रैम, ऐसे हमारे डेस्कटॉप कंप्यूटर लैपटॉप कंप्यूटर की भी स्टोरेज होती है, जिसको हम कहते हैं
हार्ड डिस्क एंड रैम, रोम एंड रोम तो इसमें भी होती है, रोम एंड रैम, रैम तो रैम है खैर, रोम हमारे पास हार्ड डिस्क होती है, तो ये हमारे पास बता रहा है हमारी रोम की, मतलब मेरे पास जो हार्ड डिस्क लगी हुई है उसका जो विंडोज सी पार्टीशन है उसकी टोटल कैपेसिटी कितनी है, 116 GB, 116 GB, तो उसमें बता रहा है कि आपकी जो यूज हो चुकी है, इस्तेमाल हो चुकी है 109 GB, जबकि फ्री है 6.40 GB, सही है, ये मेमोरी की आपको इन्फॉर्मेशन मिली है। एप्स एंड फीचर्स में चले जाएंगे तो आपको यहाँ बता रहा है कि एप्स ने, कौन सी ऐप ने कितनी जगह ली है आपके मेमोरी में, जैसे बता रहा है कि 3D व्यूअर ने 1.56 KB, Adobe Illustrator ने 1.16 GB, Adobe Photoshop ने 1.74 GB, Adobe Premiere ने 3.28 GB, Arial Views ने 11.8 MB, 768 MB, हर किसी का आपको बता रहा है कितने किसने मेमोरी कंज्यूम की है, और आप चाहें आपके इस्तेमाल में नहीं है वो ऐप तो आप उसको यहां से क्या कर सकते हैं, अनइंस्टॉल। इंस्टॉल माने कंप्यूटर में कोई भी ऐप डालना, इंस्टॉल करना, और अनइंस्टॉल माने उसको खत्म करना, ठीक है, समझ में आ रही है बात ये। उसके बाद डॉक्यूमेंट्स में कितनी जगह लिए, कह रहा है डॉक्यूमेंट्स ने टोटल जगह कंज्यूम किए 23.8 GB, व्यू डॉक्यूमेंट्स करेंगे तो यहां पर आपको फोल्डर दिखा रहा है कि यहां पे ये फोल्डर है जिसमें इसने 23 GB का स्पेस आपका कंज्यूम किया हुआ है, जिसको चाहे डिलीट कर दें अगर आपके काम का नहीं है। टेम्पररी फाइल्स ने 5.77 GB का स्पेस कंज्यूम किया हुआ है, ये आपको बता रहा है यहाँ से, और अगर नीचे देखेंगे और डिटेल्स दे रहा है यहाँ पे, ठीक है। डाउनलोड्स भी बता रहा है कि डाउनलोड ने भी 5.74 GB लिया हुआ है, टोटल मिला के इनका ये पूरा स्पेस बन रहा है, इंक्लूडिंग डाउनलोड्स पे भी अगर आप चेक लगा दें, और यहाँ पर डिलीवरी ऑप्टिमाइजेशन पे भी चेक लगा दें तो ये टोटल स्पेस बन रहा है 21.5 MB की जो है इसकी वो भी है। अच्छा, रिमूव फाइल्स पे क्लिक करेंगे आप, तो जैसे ही रिमूव फाइल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से ये उन सारी फाइल्स को रिमूव कर देगा जो उसके अंदर मौजूद थी, तो इस तरह आपका जो स्पेस है काफी हद तक बच जाएगा। देखिए पहले 104 GB था, अब रह गया खाली 12 GB स्पेस रह गया, क्योंकि वो अननेसेसरी फाइल्स थी, टेम्पररी फाइल थी, इसने इसमें से रिमूव कर दी। शो मोर ऑप्शन कैटेगरीज में भी जाएंगे तो और भी नजर आ रहे हैं, देख सकते हैं। टैबलेट मोड, ये विंडोज 10 का बड़ा जबरदस्त फीचर है जिसको हम कहते हैं टैबलेट मोड। देखिए विंडोज 10 को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि ये लैपटॉप कंप्यूटर पे, डेस्कटॉप कंप्यूटर पे, स्मार्टफोन पर, स्मार्ट टैबलेट पर परफॉर्म मतलब इंस्टॉल हो सकता है, जबकि एंड्रॉइड सिर्फ और सिर्फ एंड्रॉइड फोन पर, स्मार्ट LCD पर, स्मार्ट LED पर इंस्टॉल हो सकता है, डेस्कटॉप और लैपटॉप कंप्यूटर का वर्जन उसका नहीं आया। सो नाउ इसमें हमारे पास सीखने के लिए क्या ऑप्शन है, इसमें हमारे पास सीखने के लिए ऑप्शन ये है कि आजकल जो लैपटॉप्स आ रहे हैं वो 360 आ रहे हैं, कौन से आ रहे हैं, 360 का मतलब ये है, इनको बोल गया खामोश होकर बैठ, 360 का मतलब ये है कि वो जो लैपटॉप हैं उनमें ये जो आपका स्क्रीन होता है ये ऐसे अलग हो जाता है, और अलग होने के बाद ये टैबलेट बन जाता है, मतलब ड्यूअल प्रोसेसिंग मोड है, क्या बन जाता है वो, टैबलेट, और फिर से जोड़ेंगे तो वो लैपटॉप बन जाएगा। तो ऐसे पीसी के लिए भी विंडोज 10 बेहतरीन ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है भाई, आवाज आहिस्ता रखो, क्लास कर रहा हूं मैं, समझ में नहीं आ रही क्या, आवाज नहीं आनी चाहिए अब, तो यहां पर हम जाएंगे और चेंज एडिशनल टैबलेट सेटिंग पे क्लिक करेंगे और यहां से हम अपना टैबलेट मोड ऑन करेंगे। जैसे ही टैबलेट मोड ऑन करेंगे तो यहां पर आप देखेंगे बिल्कुल आपके मोबाइल फोन स्मार्ट LED की तरह ये रिएक्ट करेगा, अगर ये टच में होगा तो भी, और माउस से देखें कैसे, यहाँ नीचे आएंगे, एक्टिवेट हो गया, क्लिक करेंगे तो ये देखें सारी एप्स आपके सामने आ गई, सही है, जो ओपन है, फिर जिस ऐप पर जाना है आपने क्लिक किया वो आपके सामने खुल गई, फिर नीचे आ गए, फिर यहाँ पे क्लिक किया सारी एप्स आपके सामने आ गई, क्लिक किया ओपन हो गई, जिस ऐप को क्लोज करना है क्लिक किया, यहां से उस पर क्लिक किया क्लोज हो गया, देख रहे हैं, ये आपको क्लिक किया ये पूरा आपका स्लाइडर खुल गया, क्लिक किया यहाँ पे स्लाइडर पे ऑल एप्स किया, ये सारी एप्स आ गई, जो ऐप खोलनी है आपने क्लिक किया उस ऐप के ऊपर, यहां से वो ऐप आपके सामने खुल जाएगी, जैसे कि ये वाली ऐप खोल लेते, दोबारा से क्लिक किया नीचे, क्लिक किया यहाँ पे,
और उस पर क्लिक किया, आ रही है बात समझ में? नहीं आ रही है जी? टच, वो तो टच पर ही चलेगा ना बेटा, वो लैपटॉप टच में ही आ रहे हैं आजकल जो आ रहे हैं ना, ठीक है ना, उसमें तो माउस होगा ही नहीं ना, उसमें तो टच पे चल रहा है, वो टैबलेट बन जाएगा, वो विंडोज टैबलेट, ठीक समझ में आ रहा है? तो ये आपका कहलाता है कौन सा मोड? टैबलेट मोड, मतलब स्मार्टफोन की तरह काम करेगा, इंटरफेस वैसा हो गया इसका, ठीक है। अब आपने दोबारा से कौन सा मोड लेना है? लेगेसी मोड, जो इसका डेस्कटॉप मोड है। तो यहाँ क्लिक करेंगे, सेटिंग्स में जाएंगे और यहाँ पे जाके इसको क्या करेंगे, ऑफ कर देंगे, विंडोज 7 वाला स्टाइल दोबारा आएगा। बात समझ में आई? तो आप अपने विंडोज 10 ऑपरेटिंग सिस्टम को इस तरह से कर सकते हैं, इसको ऑन कर लें। फिर हाइड ऐप आइकन्स ऑन द टास्क बार, इसको मैंने ऑन किया हुआ, ये आइकन देख रहे हैं टास्क के हाइड हुए हैं, तो मैं यहाँ से इसको ऑफ कर देता हूँ और ये देखें वापस आ गए, ठीक है। और क्लिक करूंगा हाइड हो गए, क्लिक करेंगे ऑन हो गए, ठीक समझ में आ रही है बात? ये तो यहाँ से टैबलेट मोड को ऑन ऑफ किया जा सकता है। उसके बाद आ जाते हैं मल्टीटास्किंग, ये भी बड़ा जबरदस्त फीचर है विंडोज 10 का। मल्टीटास्किंग में क्या हो रहा होता है, जैसे आप इसको ऑन करेंगे स्नैप टू विंडो को, अब क्या करेगा ये देखिए बड़ा जबरदस्त काम करेगा, और ये अल्टर सजेशन इन योर टाइमलाइन को भी ऑन कर दिया। अब देखिए मैं किसी भी ऐप को ये पकड़ा और इसको इधर ले जाके एडजस्ट कर दिया, इधर सेट हो गया, बाकी एप्स मुझे यहाँ ओपन दिखा रहा है, कोई भी चूज करूंगा वो यहाँ पे एडजस्ट हो गई 50-50% यहाँ पे दोनों एप्स एडजस्ट हो गया ऑटोमेटिकली, ठीक है। और उसके बाद मैंने इसको पकड़ा यहाँ पे रखा, ये इधर एडजस्ट हो गया, इधर एडजस्ट हो गया, कौन सी ऐप लेनी है यहाँ पे क्लिक कर दिया, ये यहाँ पे एडजस्ट हो गया, ये ऑफ कर देंगे फिर ये काम नहीं करेगा, ये देखें फिर यहाँ पे रखें या यहाँ पे रखें, ये एज इट इज ही रहेगा, ठीक है। समझ में आ गई बात? ये क्लियर हो गई? तो यहाँ पे आ गया आपका मल्टीटास्किंग वाला ऑप्शन आ गया। अच्छा, प्रोजेक्ट टू दिस पीसी, अब ये फीचर तो फिलहाल अभी हमारा काम नहीं करेगा, कह रहा है प्रोजेक्ट योर विंडोज फोन और पीसी टू दिस स्क्रीन एंड यूज इट्स कीबोर्ड माउस एंड अदर डिवाइसेस टू एट द वायरलेसली ऑप्शन फीचर टू द प्रोजेक्ट टू दिस पीसी। जैसे मैंने इसको प्रोजेक्ट किया हुआ है अपने लैपटॉप को, वहां पर प्रोजेक्ट किया हुआ है और मैं अपना कीबोर्ड माउस आपको दिखा भी रहा हूँ, वहां पर यूज भी हो रहा है विदाउट एनी वायर, वायरलेसली मैंने कनेक्ट किया हुआ, इसी के हवाले से बता रहा है, ठीक है। उसके बाद चलते हैं आगे, शेयर्ड एक्सपीरियंस सिस्टम कंपोनेंट्स। अच्छा, ये फीचर तो आपके पास नजर नहीं आएगा, कॉमनली अपडेट होने के बाद आता है। और हाँ, क्लिपबोर्ड, ये फीचर जरा थोड़ा सा नया है। फॉर एग्जांपल क्लिपबोर्ड के ऊपर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको पहले क्लिपबोर्ड को ऑन करना होगा, जैसे यहाँ क्लिक करेंगे क्लिपबोर्ड ऑन हो जाएगा और यहाँ से हिस्ट्री को हम क्लियर कर देते हैं। इसका काम क्या है, यूजुअली देखें अगर हमने कोई भी चीज़ कॉपी करनी है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा माई फोन लिख के मैंने इसको सेलेक्ट किया और यहाँ से कॉपी किया, तो अब क्या पेस्ट होगा अगली लाइन पे, माई फोन, ठीक है। जितनी बार अब मैंने यहाँ पे लिख दिया सपोज टू बी लैपटॉप, और अब मैं इसको कॉपी करूंगा और यहाँ पे नीचे पेस्ट करूंगा, तो क्या पेस्ट होगा, माई फोन या लैपटॉप? लैपटॉप। इसका मतलब जो हम लास्ट टाइम कॉपी करते हैं वही पेस्ट हो रहा होता है। अब क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि मल्टीपल आइटम कैसे कॉपी हो सकते हैं। मल्टीपल आइटम कॉपी करने के लिए आपको क्लिप बोर्ड को पहले ऑन कर लेना है, जो कि ऑलरेडी मैं कर चुका हूँ। अब जितने आइटम आप कॉपी करते जा रहे हैं, सपोज मैंने यहाँ पे मोहित लिखा, यहाँ पे मैंने लक्की लिखा, इब्राहिम लिखा, इन सबको मैंने इसके एक एक दफा सेलेक्ट किया और राइट बटन दबा के मैंने क्या कर लिया, कॉपी कर लिया, इसको भी यहाँ से कॉपी कर लिया, इसको भी मैंने सेलेक्ट करके यहाँ से कॉपी कर लिया। तो अब क्या होगा, पेस्ट जब करूंगा मैं, नॉर्मल पेस्ट जब करूंगा तो जो लास्ट आइटम कॉपी किया था वही पेस्ट होगा। लेकिन अगर मैं अपने कीबोर्ड से विंडोज के साथ वी का बटन दबाऊंगा, किसका बटन दबाऊंगा, विंडोज वी। अब ये थोड़ा ऑन स्क्रीन कीबोर्ड पर देखें, विंडो का बटन कौन सा होता है, ये वाला, इसको होल्ड करूंगा और ये वाला बटन दबाऊंगा, तो मेरे सामने क्या ओपन होगा, देखिएगा क्लिपबोर्ड ओपन हो जाएगा और इसमें जो जो आइटम मैंने कॉपी किए थे वो सारे आपको नजर आ रहे हैं, जिसको पेस्ट करना है क्लिक करते जाएं। सही है, और जब क्लिपबोर्ड को खाली करना हो तो यहां पे जाके आप जैसे ही क्लिक करेंगे यहां पे और क्लिपबोर्ड पर यहां से जाके क्लियर करेंगे तो आपका क्लिपबोर्ड क्या हो जाएगा, एम्प्टी हो जाएगा। और क्लिपबोर्ड को जब ऑफ करना होगा तो यहां से जाके आप उसको क्या करेंगे, सेटिंग्स में जाके जैसे इसको ऑफ करेंगे, अब ये काम नहीं करेगा, ठीक है। उसके बाद रिमोट डेस्कटॉप आपके लिए नहीं है, अबाउट का सेक्शन लास्ट वाला देख लें। जैसे आप अपने फोन की मेमोरी के बारे में जानते हैं, रोम रैम, उसका कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है, क्या क्या चीजें लगी हुई हैं,
इस तरह अबाउट में जाके आप किसी भी डेस्कटॉप या लैपटॉप कंप्यूटर के बारे में इजीली इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है।